नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को बड़े उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 9 दिवसीय श्री राम जन्मोत्सव की शुरुआत कर दी है। आज पहले दिन 21 किलोमीटर की साइकिलिंग और मैराथन दौड़ रन फॉर राम यानी कि राम के लिए दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र और गोपाल ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्रीराम फ्लैग लहरा कर किया। 9 दिवसीय श्रीराम जन्मोत्सव कार्यक्रम में 7 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ओलंपिक खेलों का आयोजन भी शामिल है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े गोपाल का कहना है कि भगवान श्री राम के जन्मोत्सव से लोगों को जोड़ने के लिए 2 दिवसीय राम जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के कोने कोने से आए प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं, जिनको ट्रस्ट की तरफ से रुकने खाने समेत तमाम सुविधाएं भी दी जा रही हैं। और इतना ही नहीं, विनय प्रतिभागियों को प्रोत्साहन के रूप में राशि उपलब्ध भी कराई जाएगी। आज प्रातः पूरे देश भर के साइकिल से दौड़ने वाले युवा अभी पहुंचे हैं। 6:30 बजे हम इसको फ्लैग ऑफ करेंगे, ध्वज दिखाएंगे। यहाँ से 21 किलोमीटर का साइकिल यान प्रारंभ होगा। उसके साथ साथ 10 मिनट के बाद ही रामलला के लिए दौड़ 21 किलोमीटर का रन फॉर राम मैराथन प्रारंभ होगा। करीब दोनों मिलकर के 4,000 प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए बुजुर्ग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बुजुर्गों के साथ साथ युवतियां भी मैराथन और साइकिल रेस में शामिल हुई हैं। मेरी उम्र 62 ईयर्स है और आगे काफ़ी लोग साइकिल चलाएं, इसलिए हम अवेयरनेस क्रिएट हो, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। प्रदूषण भी कम होगा, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा जो है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग चलाएं हूँ। एजीजे नंबर इसमें शामिल हो रहे हैं आप, कहाँ से? साइकिल रेस। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने किलोमीटर की दूरी यात्रा है? 21 किलोमीटर चलाए हैं साइकिल। क्या नाम है? सुधा वर्मा। एक तरफ तो अयोध्या में राम नवमी की तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर निर्माण का काम भी तेज गति से चल रहा है। मंदिर के गर्भगृह पर विशेष छत ढालने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 4 क्रेनों की मदद से लगभग 1,200 मजदूर एक साथ लगकर छत ढालने का काम करने वाले हैं। अभी तक इस पर 900 मजदूर काम कर रहे थे और अब काम को और तेज करने के लिए 300 अतिरिक्त मजदूरों को भी लगाया गया है। इस महीने किसी भी दिन छत के लिए बीम और फिर स्लैब ढालने का काम शुरू हो जाएगा। L&T कंपनी ने इस काम के लिए अपनी विशेष टीम को लगा दिया है। टीम की देखरेख में दिन रात इस पर काम चल रहा है। खास बात यह है कि अन्य निर्माण की तरह बीम और छत के लिए स्लैब ढालने के बाद किसी इंतजार की जरूरत नहीं पड़ेगी। छत के तुरंत बाद ही प्रथम तल का काम शुरू कर दिया जाएगा। मंदिर निर्माण की गति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साथ ही साथ गर्भगृह की फिनिशिंग का काम भी चलता रहेगा। राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर के 160 और गर्भगृह के लिए 6 स्तंभों के लिए तय ऊंचाई 20 फीट तक का काम अभी तक पूरा हो चुका है। अब केवल छत के लिए जरूरी तकनीकी ही तैयार की जा रही है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। राम जन्मोत्सव के विशेष कार्यक्रम और राम मंदिर निर्माण की प्रगति को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।